इस प्रॉब्लम में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि टी की वैल्यू जो है टी टेबल से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में यही पूछा है आपसे कि टी की वैल्यू फाइंड आउट करें आप, जिस पीट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 14 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 14 है तो एन क्या होगा आपके पास, एन आपके पास 15 होगा जब ही जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 14 आया है। तो 15 माइनस 1 करते हैं तो 14 बनता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एन माइनस 1 होता है। तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो कि एरिया लीव करे लेफ्ट साइड पर 0.025, ये आपके से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि आपने टी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसके लेफ्ट साइड पे जिस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो आपके पास 0.025 होगा, ठीक है, 2.5% एरिया होगा जिस पॉइंट के टी के जिस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर आपके पास एरिया जो होगा वो 0.025 होगा। तो वो उसकी टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये टी के टेबल से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो टी का टेबल जो है वो मेरे पास ये है, टी टेबल जो होता है आपके पास हमेशा ग्रेटर देन होता है, इसका ग्राफ देख लें, ये आपके पास हमेशा ग्रेटर देन टेबल होता है। जी का टेबल आपके पास क्या होता था, लेस देन का टेबल होता था। तो ये इसके ऑपोजिट है थोड़ा, ये आपको हमेशा ग्रेटर देन का आंसर देगा ये आपको हमेशा। अच्छा, ये जो आपके पास टेबल में सेंटर में वैल्यूज लिखी हैं सारी टी वैल्यूज लिखी हैं, टी वेरिएबल की वैल्यूज हैं। इसी तरह जी में क्या होता था, यहाँ सेंटर में प्रोडक्टिज होती थी, तो ये उसके थोड़ा अपोजिट है कि यहाँ पे टी की वैल्यूज गिवेन है यहाँ पर सेंटर में। प्रोबेबिलिटीज जो है वो बहुत लिमिटेड है, वो हमने तमाम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट नहीं करनी, तो उसका ग्राफ बहुत, टेबल बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए बहुत लिमिटेड ये प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पे रखी हुई है। 25%, 20%, 15% ये टॉप पे जो चल रही है आपके पास प्रोबेबिलिटीज चल रही है, या एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं इसको। और ये लेफ्ट पर आपके पास जो कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो चल रहा है आपके पास, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम चल रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो लेस देन का एरिया फाइंड आउट करना है, ये तो ग्रेटर देन का एरिया है। तो हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू जो है उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है। लेस देन का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये फाइंड आउट क्या करना था, हमने ये फाइंड आउट करना है 0.025 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है या एरिया अंडर द कर्व है। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लेफ्ट साइड पे ये एरिया होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 14 है और आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी 0.025 आ जाएगी। तो अब ये टेबल पे जाके देख लेते हैं, ये आपके पास आ गया 0.025। ये आ गया आपके पास 0.025, ये आ गया। अब इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने क्या देखना है, 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गया आपके पास लेफ्ट साइड पे 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और टॉप पे आप ये देखेंगे 0.025। तो इस पे आपके पास टी की वैल्यू क्या आ रही है, 2.145 वैल्यू आ रही है। तो इसको मैं जाके उधर पुट कर देता हूँ, तो ये 2.145 वैल्यू मेरे पास राइट साइड की वैल्यू आएगी, है ग्रेटर देन की वैल्यू आएगी आपके पास ये। तो ये आपके पास मैंने किस तरह से लिखा है, टी इस वैल्यू से ग्रेटर देन यहाँ पर आएगी ये वैल्यू। असल में इसने ये कैलकुलेट करके दिया एरिया, ये 0.025 होगा ये एरिया, 0.025 हो गया ये जो शेडेड एरिया है। इस पे टी की वैल्यू जो आई है वो ये आई है 2.145 आई है ये, क्योंकि वो टी टेबल जो है आपको ग्रेटर देन का आंसर देगा हमेशा। तो ये आंसर जो आ रहा है आपके पास 2.145 ये आंसर आया है, ठीक है। अब आपको पता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू आप जो इसको लेस देन में चेंज कर सकते हैं, जो वैल्यू आपके पास परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज और ये परसेंटेज अगर आपके पास सेम है तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपके पास राइट साइड पर आ रही है 2.145 जो राइट साइड पर आ रही है, वही आपको लेफ्ट साइड पे भी वही वैल्यू मिलेगी, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होगा, क्योंकि जीरो के लेफ्ट पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जीरो के राइट पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने ये लिखी, टी ग्रेटर देन 2.145 आपके पास एरिया क्या बनेगा, 0.025 बनेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 पर। इसको लेस देन करके लिखूंगा मैं तो माइनस का साइन लगा के लिखूंगा। तो ये मुझे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये आंसर हो गया मेरे पास, टी इज इक्वल्स टू माइनस 2.145 से लेस देन पे आपके पास जो एरिया कवर हो रहा होगा वो 0.025 एरिया कवर हो रहा होगा। अब ये नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा हुआ इन्होंने, देयरफॉर एन एरिया 0.975 टू द राइट, ये पूछा हुआ इन्होंने कि राइट साइड पे आपके पास एरिया कवर हो रहा हो 97.5% एरिया कवर हो रहा हो, तो ये इतना सारा पोर्शन, जीरो के राइट साइड पे आपके पास 50% होता है, तो थोड़ा और मैं आगे लेके जाऊंगा, 97.5% एरिया मुझे कवर करना है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला रीजन
ये पूरा रीजन जो है 97.5% है ये, तो इसके राइट पे आपने फाइंड आउट करना है। अभी आप जब टेबल पे जाके देखेंगे ना, आपको ये 0.975 मिलेगा नहीं यहाँ पर, तो ये आपको 0.975 मिलेगा नहीं। तो अब आप क्या करेंगे कि ठीक है मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, 0.975 के पे जो टी की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो फाइंड आउट करनी है मुझे। तो मैं क्या करूँ कि राइट साइड का मुझे एरिया पता है, तो लेफ्ट साइड का मैं 1 माइनस करके निकाल सकता हूँ। तो ये मैंने 1 माइनस करके निकाल दिया, 1 माइनस करके लेफ्ट साइड का एरिया निकाल दिया। राइट साइड पे अगर 97.5% कवर है तो लेफ्ट साइड पे आपके पास कितना कवर होगा, 2.5% कवर होगा। और इस पे आपके पास टी की कोई वैल्यू आ रही होगी, तो वो टी की वैल्यू जो दोनों बातों को कवर कर रही होगी कि इस पॉइंट के राइट साइड पे आपके पास 97. एरिया कवर हो रहा है और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपके पास 2.5 एरिया कवर हो रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि मैं यही आप असल में आपने पहले भी तो यही सॉल्व करा हुआ है, तो इसको इसी तरह ही सॉल्व करेंगे कि ये 0.025 आप टेबल में जाके देख लेंगे, ये आ गया आपके पास 0.025। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 14 चल रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 2.145 ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आप उसको ले जाके रख देंगे, ग्रेटर देन करके लिखेंगे। अगर आपने इसको लेस देन में चेंज करना है तो माइनस का साइन लगा दें। अब आप अपनी असल प्रॉब्लम पे आ जाएं कि अगर आपने ये माइनस 2.145 के लेफ्ट साइड पे एरिया देखना है तो आपके पास क्या एरिया बनता है, वो आपके पास एरिया बनता है 0.025। अगर इसी माइनस 2.145 के राइट साइड पे आपने एरिया देखना है, ग्रेटर देन मैंने का ग्रेटर देन का साइन लगा लिया मैंने, राइट साइड का एरिया देखना है तो आपके पास क्या बनता है, 0.975 बनता है। तो इस तरह से जो है टी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं टी टेबल से। लिमिटेड प्रोबेबिलिटीज होती हैं हमारे पास, तो उन लिमिटेड प्रोबेबिलिटीज को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए और जो है इस तरह की प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए जो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी में से अदर एरिया आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए आपने इसको टी टेबल को यूज़ करना होता है आपने।